सामने मेरा घर है भाई, क्या अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज
अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? आवाज़ का फीडबैक कोई बच्चा दे दे मुझे मैसेज करके, भाई मैसेज मुझे वॉइस का फीडबैक दे दें, उसके बाद हम 5 मिनट इंतज़ार करेंगे, फिर आवाज आ रही कंटिन्यू थी कि करेंगे सर? जब तक। जी चले ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, जब तक मैं वेट कर रहा हूँ अदर स्टूडेंट्स का, फरहान इकबाल साहब है यहाँ पे। कल ये ना हैंड रेज आप कर रहे थे, मोहम्मद फरहान इकबाल साहब, तो आपका कुल कोई क्वेश्चन था तो काइंडली मुझे टाइप करके भेजें। कल आपने 3 4 बार ना क्लास ड्यूरिंग द सेशन आपने हैंड रेज किया था, तो होपफुली शायद आपका कोई क्वेश्चन या कंसर्न था जो मैं स्किप कर गया, तो आप से रिक्वेस्ट है आप जरा वो मैसेज मुझसे टाइप करके पूछ लें। तो जब तक जो है मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन विंडो मेरे पास आ जाए तो मैं वो टाइम वहाँ पे लगा लूँ, जब तक जो है बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, कल की डिस्कशन में था कि डायरेक्टर जो है ना अपनी सैलरी की, जो सैलरी को फिक्स नहीं करेंगे उसकी, हाँ पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी बनाने के बाद उनके ऊपर वो सब नजम साहब सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे कि हमने कंपनीज एक्ट के पढ़े हैं ना, कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो है विल नॉट पार्टिसिपेट, और जो भी सेक्शन हमने पढ़े थे जहाँ जहाँ डायरेक्टर का इंटरेस्ट होता है वो उस डिस्कशन में उस मीटिंग में नहीं था। तो पॉलिसी ज़रूर बनाएंगे लेकिन उसको अप्रूव किया जाएगा जनरल मीटिंग में, और अगर कंपनी वो पॉलिसी एक फिक्स कर देती है तो वो कंपनी अपने असूल यानी आर्टिकल में भी ये लिख सकती है। तो डायरेक्टर की सैलरी का स्केल जो भी बनाना है, हमें गाइडलाइन मिली थी कि जनरल मीटिंग या कंपनी के आर्टिकल्स में देख लो, अगर मीटिंग ने अप्रूव करके आर्टिकल्स में ये बात लिखी हुई है।
और कोई किसी का क्वेश्चन कल से, जो कल का जो क्वेश्चन टॉपिक था हमारा, जिसमें मैंने लिस्टेड कंपनी का कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसको डिफाइन किया था, ये होता क्या है। उसके बाद जो गवर्नेंस बोर्ड है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और मिनिमम कौन सी क्वालिफिकेशन और कौन कौन से डायरेक्टर्स जो हैं वो उस बोर्ड में जाएंगे। और देयर आफ्टर मैंने डिस्कशन स्टार्ट की थी कि बोर्ड बोर्ड एक कंस्ट्रक्ट होने के बाद कमिटीज़ बनती हैं, कमेटी में किस किस जो रेफरेंस के डायरेक्टर होंगे वो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आज अभी क्लियर हो जाए, नेक्स्ट फिर हम डिस्कशन करेंगे जो बाकी हमारा कोड बाकी रह गया, और इंशाल्लाह आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये 2019 का कोड है, और इसकी ब्यूटी ये है कि ये थोड़ा रिजिड है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, इसमें नॉन मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, और इसमें रिकमेंडेटरी प्रोविजंस है। मैंडेटरी प्रोविजंस क्या है, तो लिस्टेड कंपनी के कोड ने हमें बताया कि मैंडेटरी प्रोविजंस ऐसी प्रोविजंस होती हैं जो कि बनी ही इसलिए हैं कि आपने उनको फॉलो ही करना है, इसके अलावा हल कोई है ही नहीं। उसके बाद नॉन मैंडेटरी प्रोविजंस ऐसी प्रोविजंस जिनको आप कंप्लाई करोगे या एक्सप्लेन करोगे। मैंडेटरी प्रोविजंस को डिफाइन करने के बाद कोड 19 ने हमें बताया है कंप्लाई या एक्सप्लेन, तुम इस बात को कंप्लाई करो या इसको एक्सप्लेन कर दो, कि इससे अच्छा कोई अल्टरनेटिव तुम्हारे पास है तो उसको एक्सप्लेन कर दो कि तुम इस बात को कैसे फॉलो कर रहे हो। फिर उसके बाद ना इस कोड में कुछ प्रोविजंस ऐसी बच जाती हैं जिन प्रोविजंस के नाम साथ लिखा होता है हम इनकरेज करते हैं, रिकमेंड करते हैं, या जनरल बात लिखी होती है। तो ऐसी कुछ सेक्शन नंबर 156 और 152 में पार है ऐसी सीपी की, जो वो ड्राइव करता है वो एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर इशू कर देगा, और उसमें कोई भी रेगुलेशन इशू कर सकता है किसी भी कंपनी से रिलेटेड। वॉइस प्रॉब्लम, किसी और को इशू है वॉइस का? अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो मैं अपना नेट जो है इसको रिस्टार्ट करता हूँ, वॉइस इशू है। एक मिनट दें जरा, मैं अपना नेट चेक कर लूँ, उसकी स्पीड चेक कर लूँ कि उसकी स्पीड क्या आ रही है।
हेलो, वॉइस क्लियर है आप? हेलो, आवाज का फीडबैक दें। स्टार्ट। जी सर, आवाज क्लियर है? हाँ बच्चों का ना मैसेज आ रहा है मुझे कि वॉइस प्रॉब्लम है। सर, मुझे तो ठीक आ रही है, मैं होस्ट बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है। चलें ठीक है, आप वॉइस का प्रॉब्लम होगा ना तो नजम साहब बैठे हुए हैं, ये रिप्लाई करेंगे हमें। ठीक है, तो सिर्फ इन्हीं का मैसेज जो है मैं अकाउंट फॉर करूंगा वॉइस के लिए। तो चलें दोबारा मैं तो इस कोड में तीन किस्म की प्रोविजंस हैं, मैंने आप रेगुलेशंस हैं। फर्स्ट वन मैंडेटरी, दूसरा नॉन मैंडेटरी, इसकी बात होती है सीसीपी के पास। ये किसी भी सेक्टर की कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कभी भी अपनी पावर को यूज करते हुए कोई भी रेगुलेशन इशू कर सकता है। देयर आफ्टर मैंने आपको समझाया कि कितनी परसेंटेज और कितनी परसेंटेज की प्रोविजंस होती हैं इस, ये जो हमारा कोड 19 आया है। तो मेरा अपना एनालिसिस है कि 21% इसमें मैंडेटरी, 49% इसमें नॉन मैंडेटरी, और 29% की जो है ये रेकमेंडेटरी रेगुलेशन है। इससे पहले जो आने वाले कोड थे उनकी मुसीबत ये थी, सारी कंपनीज को सारी की सारी प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता था। अगर एक भी प्रोविजन रह गई तो उसके ऊपर जुर्माना फेस करना पड़ेगा। लेकिन 2019 के कोड की ये ब्यूटी है कि सिर्फ जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उन्हीं के ऊपर फाइन है, लेकिन जो अदर एरियाज हैं उनके ऊपर कोई फाइन नहीं। उसके ऊपर आपके पास कोई बेस्ट अल्टरनेटिव है तो वो बता दें और उसको फॉलो कर लें तो आप जो है इसको कंप्लाई कर सकते हैं। तो हमने नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ये पढ़ लिया था। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड मैंने आपको समझा दिया था। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में मैंने आपको समझाया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डाइवर्सिटी होगी। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, अगर 7 डायरेक्टर होंगे तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और हमेशा आपने याद रखना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में सीईओ का नंबर पहले से ही काउंट हो जाता है। हालांकि ये होता इम्प्लाई है, लेकिन जब भी आपने, अगर आपने इलेक्शन करवाना है, इलेक्ट करवाना है, तो इसका नंबर पहले एक्सक्लूड कर देना, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में गिना जा चुका है पहले। तो 3 जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट। तो रेगुलेशन ने बताया था कि एटलीस्ट 1/3 जो होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपने फ्रैक्शन को राउंड अप एज 1 ना किया तो इन दैट केस, अगर आपने फ्रैक्शन को राउंड अप एज 1 ना किया तो इन दैट केस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होंगे वहां पे आप एक एक्सप्लेनेशन जमा करवाएंगे कि क्यों आपने इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फ्रैक्शन को एज अ 1 कंसीडर क्यों नहीं किया। ठीक है, लाजमी नहीं कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में फ्रैक्शन आई है तो उसको 1 अज्यूम करें। जैसे लेट्स सपोज कल की एग्जाम्पल में 8.6 डायरेक्टर रखने हैं, 1/3 से अगर टोटल नंबर डिवाइड किया था तो 8.6 डायरेक्टर रखने हैं आप। हाँ, 8 रख सकते हो तुम अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखोगे, लेकिन इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन, एक कंप्लायंस रिपोर्ट तुम्हें जमा करवानी पड़ेगी कि किन वजूहात पर तुमने इस 8 नंबर को एज्यूम किया। हाँ, अगर 9 नंबर एज्यूम करोगे तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी। इसी तरह डायरेक्टर ने, उन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लाइन में भी आपके पास 1/3 की नंबर के मौजूद हैं, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, अगर फ्रैक्शन में जवाब आया और इस फ्रैक्शन को एज अ 1 कंसीडर किया तो इन दैट केस तुम्हें यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन जमा करवानी पड़ेगी, कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवानी पड़ेगी। फिर मैंने कल आपको ये भी समझाया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है हमने खुद से सिलेक्ट नहीं करना, वो जगह से सिलेक्ट नहीं करना जो कि पीआईसीजी के अलावा हो।
तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलावा हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कहीं से भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो लिस्ट इसके पास अवेलेबल है उसी लिस्ट से हमने इसको सिलेक्ट करना है। तो पीआईसीजी में जितना भी डेटा सेट है एससीसीपी ने मेंटेन करना था इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, क्योंकि एक्ट ने बोला था एससीसीपी को, और एससीसीपी ने एक एससीसीपी के मतहत एक अदारा बनाया गया जिसको पीआईसीजी बोलते हैं, और इसका काम होता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जितने भी हैं उनका डाटा मैनेज रखता है। फिर उसके बाद लॉ ने बता दिया कि अगर तुम पीआईसीजी की लिस्ट से कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेलेक्ट करोगे और उससे कोई गलत डिसीजन मेकिंग होगी, कल को आपको फाइन लग गया या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डिसीजन मेकिंग उस क्वालिटी की नहीं आपको मिलती, तो आप कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे पीआईसीजी को। तो सोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लिस्ट प्रोवाइड कर दी है पीआईसीजी ने उसमें से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देख के समझ के सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद चेयरमैन की रिक्वायरमेंट थी, तो चेयरमैन हम लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे बात याद रखनी है कि लिस्टेड कंपनी का जो चेयरमैन होगा वो कभी भी सीईओ नहीं होगा, और जो सीईओ होगा वो चेयरमैन नहीं होगा। तो एक पर्सन दो पोजीशन पे नहीं बैठ सकेगा। तो चेयरमैन बोर्ड की रिक्वायरमेंट भी हमने कल पढ़ ली थी। तो कल हमने ये भी एक रिकमेंडेटरी प्रोविजन थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, के कोर्ट कहता है कि आपकी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं आप उनको फैसिलिटेट करें कि वो बाय प्रॉक्सी सॉलिटेशन कोई एक मेंबर किसी को अपने रेफरेंस के तौर पर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भेज दें। तो उसका सारा तरीकेकार उन्होंने ये बताया, वही बातें जो नोटिस जाता है मीटिंग का उसके साथ कौन कौन से फॉर्म होने चाहिए, तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट की। ये हमने पहले भी पढ़ ली थी कि जब भी नोटिस ऑफ मीटिंग जाएगा तुम नोटिस के साथ इलेक्शन का फॉर्म भेज देना, फिर जो है तुम इन मेंबर्स को बताना कि शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद जो है प्रोक्सी का फॉर्म भेज देना। तो ये सारी रेगुलेशन जो है इसने एक्सप्लेन किया कि नोटिस के साथ क्या क्या जाना चाहिए। रेम्यूनरेशन हमने पढ़ ली और ये कल मैंने बहुत अच्छी तरह बता दिया। फिर मैंने आपको बता दिया कि जो भी फाइन है और ये मैंडेटरी प्रोविजन पे है। उसके बाद कमिटीज ऑफ बोर्ड, अब बोर्ड एक तैयार हो गया, उसके बाद बोर्ड में से सारा बोर्ड तो हर वक्त तो नहीं ना तैयार रहेगा कि जो भी इशूज़ हैं सब इशूज़ को सॉल्व करने के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए सारे का सारा बोर्ड आके डिसीजन करेगा। तो बोर्ड में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऑडिट कमेटी में जाएंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे जो फाइनेंस कमेटी में जाएंगे। तो जो भी इनकी कमेटीज़ हैं उनमें ये इनकी डिवीजन हो जाएगी। लेकिन कुछ कमेटीज़ ऐसी हैं जिससे कंसर्न बनता है, उनकी क्वालिटी से, उनकी डिसीजन मेकिंग से कंसर्न बनता है कि इन कमेटीज़ को अगर अच्छा कर लिया जाए तो होपफुली हमें यकीन है कि कंपनीज में जो भी हो रहा है वो इन कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले नाम आता है ऑडिट कमेटी का, और ऑडिट कमेटी बनने लगी थी तो उन्होंने कहा था कम से कम एक मेंबर तो ऑडिट कमेटी का ऐसा हो जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और बाकी के जितने भी मेंबर होंगे कमेटी में कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं जाएगा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। फिर यहाँ पे ऑडिट कमेटी पे अजीम और सुफियान हैंड रेज कर रहे हो, यार कोई क्वेश्चन है ना आप उसको टाइप करो, वॉइस का फीडबैक हो रहा है तो वो भी लिख दो, ठीक। तो हैंड रेज ना करो, सीक्वेंस खराब हो जाता है। इंटेंशन मेरी हैंड रेज जो है ना आप करते हो उसकी तरफ चली जाती है। अगर कोई मसला है ना तो आप अगर कोई क्वेश्चन है उसको टाइप करें। आवाज कट रही है नजम साहब, फीडबैक दें जरा यार आवाज का। हेलो, आवाज क्लियर है नजम साहब? ठीक है, नजम साहब कह रहे हैं आवाज आ रही है तो आवाज क्लियर है। और ड्यूरिंग द अब यार सेशन आप काइंडली हैंड रेज ना करना, क्योंकि हैंड रेज मुझे शो होता है तो मेरी सारी इंटेंशन उसकी तरफ चली जाती है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है ना किसी भी प्रोविजन से या किसी भी रेगुलेशन से उसको टाइप करके पूछो। ओके, ऑडिट कमेटी जो होगी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
आगे डायरेक्टर निकलेंगे जो कि डिसीजन मेकिंग करेंगे कि ऑडिट से रिलेटेड जो डिसीजंस करेंगे उनमें लॉ की रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है कि उसमें लिस्टेड कंपनी के केस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाएगा उस कमेटी में, ज्यादा जितने मर्जी चले जाए लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, और उसके बाद बाकी के जो मेंबर्स होंगे एटलीस्ट जो थ्री मेंबर्स की है तो बाकी जो मेंबर्स होंगे तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। यानी कि कम से कम अगर तुमने तीन लोग ऑडिट कमेटी में भेजने हैं तो दो नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, इससे ऊपर जितनी तादाद बनानी बना लो लेकिन कम से कम तीन की तो कमेटी बनेगी लॉ ने कह दिया, और एक जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ना वही इसी कमेटी का चेयरमैन होगा, उसी की सुपरविजन में सारी डिसीजन मेकिंग होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया कि इस कमेटी का सेक्रेटरी कौन होगा, तो लॉ ने बताया हमें, रेगुलेशन ने बताया इस कमेटी का ये जो सेक्रेटरी बैठा है ना ये वो होगा, या तो कंपनी का ही सेक्रेटरी ले लें, या अगर कंपनी का सेक्रेटरी नहीं है तो हेड ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंट, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का जो हेड है उसको आप इस मीटिंग का जो है आप सेक्रेटरी अनाउंस कर दें कि वो इस मीटिंग की सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेगा। फिर लॉ ने बताया कि अच्छा अगर ये तीन लोग जा रहे हैं ना इस मीटिंग में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और दूसरे दो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इनमें से कम अज कम कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल लिटरेट हो, तो फाइनेंशियल लिटरेट जो होगा पर्सन वो ऐसा पर्सन होगा जिसको रेगुलेशन ने बताया था कि मेरी नज़र में फाइनेंशियल लिटरेट ऐसा पर्सन होता है जिसका कम अज कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो ऑडिट कमेटी का, कि वो किसी लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी में बैठता रहा है 10 साल हो चुके हैं उसे, और फिर उसका 20 साल का सीनियर मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस है और उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है या उसके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो ऐसा कोई पर्सन रेगुलेशन की नज़र में फाइनेंशियल लिटरेट है। उसके बाद इस कमेटी में कभी भी जो CEO जो कि हायर रैंक ऑफ एम्प्लॉय है परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कमेटी में का हिस्सा मेंबर नहीं होगा, लेकिन CEO और CFO जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। हाँ अगर इस कमेटी ने उनको बुलाया तो इनकी इनविटेशन के ऊपर ये पर्सन जो है इस कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं। तो जो ऑडिट कमेटी के TOR है टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि इसके फंक्शंस क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसकी लिमिट्स क्या है, ये TOR जिम्मेदारी है सारे के सारे बोर्ड की। TOR बोर्ड जो कंप्लीट बोर्ड है ऑडिट कमेटी को TOR देगा कि ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने इनमें रहते हुए सारे काम अपने परफॉर्म करने हैं। तो ये थी ऑडिट कमेटी और ये मैंडेटरी कमेटी है, ये बननी ही बननी है, इसके अलावा कोई कंप्लायंस का तरीका नहीं है कंपनी के पास, ऑडिट कमेटी बनानी बनानी। तो ये ऑडिट कमेटी कवर कर दी मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया ह्यूमन रिसोर्स रिम्यूनरेशन कमेटी, ये ऐसी कमेटी होगी जो कि डायरेक्टर्स की, इसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाएगा और इसमें भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाएगा, इसको भी चेयर जो करेगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही करेगा। उसके बाद इस जो कमेटी है इसमें अगर इन्होंने बनाना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपना कोई मेंबर बनाना है तो बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई पॉलिसीज वगैरह, कोई प्लान वगैरह, कोई हायरिंग रिक्रूटमेंट वगैरह तो सारे जो काम शाम है इन्होंने करने हैं, इस वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे इन्होंने करने हैं। तो हमने कल इसको भी डिटेल में पढ़ा था कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे आके मैंने रेफर कर दिया था आपको कि कोड में डिटेल में इसमें इसके फंक्शंस हैं कि ये कौन कौन सी डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो आपको एक नज़र देख लेना चाहिए क्योंकि आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप देखेंगे ना एक कि वो वाली प्रोविजंस के इनके क्या क्या काम है तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये ह्यूमन रिसोर्स कमेटी है और इसने ये चीज़ें ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी के बाद मैंने आपको पढ़ाया था जी नॉमिनेशन कमेटी। तो नॉमिनेशन कमेटी क्या है, नॉमिनेशन कमेटी एक रिकमेंडेटरी कमेटी है, ये ना तो नॉमिनेशन कमेटी ना तो मैंडेटरी कमेटी है, यानी कि इसको इम्पोज नहीं किया गया कि लाजमी आपने रखनी है, और ना ये नॉन मैंडेटरी कमेटी है, ये बस एक रेकमेंडेटरी कमेटी है जिसको लॉ रिकमेंड कर रहा है कि आप अपने पास एक नॉमिनेशन कमेटी बनाएं जो क्या करे, द बोर्ड में कंस्टिट्यूट अ सेपरेट कमेटी
designated as nomination committee of such number and class of director as it may deem appropriate in its circumstances. तो जो चीज उसको कोर्ट को रिक्वायर्ड नहीं थी उसने इनके ऊपर छोड़ दिया कि आप एक नॉमिनेशन कमेटी बनाएं जो आपको फिट लगे, जैसे आपको फिट लगे वैसी एक नॉमिनेशन कमेटी बना लें और उस नॉमिनेशन कमेटी के वो फंक्शन होंगे जो आप डीम अप्रोप्रिएट सोचते हैं. नॉमिनेशन कमेटी किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? नॉमिनेशन कमेटी जो है वो कंसिडर एंड मेकिंग रिकमेंडेशन टू द बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोर्ड्स कमेटीज एंड चेयरमैनशिप ऑफ द बोर्ड कमेटीज. जो नॉमिनेशन कमेटी होगी ना वो बोर्ड को बताया करेगी कि किस कमेटी की चेयरमैनशिप किसके पास होनी चाहिए. एंड कीपिंग द स्ट्रक्चर साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड अंडर द रेगुलर रिव्यू एंड फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द बोर्ड विद रिगार्ड टू एनी चेंजेस नेसेसरी. तो इसके पास सारी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड जो होगी वो होगी और ये रेगुलर उसको रिव्यू करते रहेंगे और रिकमेंड करते रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि क्या चेंजिंग होनी चाहिए, क्या नेसेसरी चेंजिंग होनी चाहिए कमिटीज के अंदर या बोर्ड के स्ट्रक्चर के अंदर. तो ये नॉमिनेशन कमेटी एक रिकमेंडेटरी कमेटी है तो बोर्ड ने अनाउंस कर दिया. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तो रिस्क का सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि हमारे पास कंपनीज जो डील करती हैं मार्केट में उनको डिफरेंट टाइप्स के रिस्क जो होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क के जो इन्वेस्टमेंट लगाई क्या वो ख़त्म तो नहीं होने जा रही या उस इन्वेस्टमेंट को कोई खतरा तो नहीं, क्या जो लोन लिया गया उसको पे बैक कर सकेंगे, क्या जो फ्यूचर की बजटिंग की क्या उसी के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस जा रही है या नहीं जा रही. ऑपरेशनल रिस्क, क्या हमारे ऑपरेशन वैसे ही परफॉर्म हो रहे हैं जैसे सोचा था, क्या कोई ऐसा रिस्क या कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा जो हमारे ऑपरेशन ही ख़त्म हो जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए या एम्प्लॉइज की तरफ से आ जाए. तो क्या हम कंप्लायंस जो है हमारी सारी की सारी वैसे ही है जैसा गवर्नमेंट रिक्वायर कर रही है. तो ये सारे के सारे बातें जो कि नॉन हैपनिंग है वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पास जाएंगे. बोर्ड की जिम्मेदारी है बोर्ड में, और ये भी उन्होंने रिकमेंड किया कि आप लोग, आप मे का लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना इसमें शैल का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो ये भी मेरी नज़र में रिस्क मैनेजमेंट जो कमेटी है ये भी एक रिकमेंडेटरी कमेटी है. बोर्ड में, बोर्ड कि अगर दिल किया बोर्ड का तो वो बना सकता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ सच नंबर एंड सच क्लास ऑफ डायरेक्टर्स एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस. तो रेगुलेशन ने कह दिया कि ये जो है बोर्ड की सोल जो है डिस्क्रिशन पे है कि आप एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बना सकते हैं और उसमें जो आपका दिल किया, जिस क्लास का डायरेक्टर आपको चाहा, आप इस कमेटी में बिठा दे. टू कैरी आउट रिव्यू ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड प्रेजेंट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड. कहता है इस कमेटी का काम होगा कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें आप फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, उसके बाद कंप्लायंस रिस्क वगैरह की बातें और कौन कौन से रिस्क आपकी कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं, अच्छा अगर कोई रिस्क अफेक्ट कर रहा है तो उसको डील कैसे किया, उसको मिटिगेट कैसे किया, क्या वो मिटिगेट हुआ या नहीं हुआ, वो सारी रिपोर्ट बनाएगी और बोर्ड के सामने पेश करेगा. टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या शामिल है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी इसका बोर्ड ही बनाएगा. अगर ये बोर्ड को कह दिया गया ना कि अपनी एक कमेटी बना लो जिसका फंक्शन बस ये हो कि देखे कि कोई रिस्क तो नहीं अफेक्ट कर रहा आपके, तो इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस कम अज कम 3 पॉइंट पे तो होना ही चाहिए कि मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ ऑल मटेरियल कंट्रोल, जो आपके मटेरियल कंट्रोल जैसे फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस रिस्क है उनको मॉनिटर कैसे किया गया और उनको रिव्यूज, उनको रिव्यू बार बार कैसे आपने देखना है कि कोई रिस्क अगेन तो नहीं वहाँ से अराइज हो रहा. रिस्क मिटिगेशन मेजर्स एंड रोबस्ट एंड इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इंश्योर्ड. फिर इन्होंने देखना है कि रिस्क जो है हमने उसको रिस्क मिटिगेशन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इफेक्टिव है और जो इंटेग्रिटी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वो भी इंश्योर्ड हमने की है. अप्रोप्रिएट एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ कंपनी रिस्क फ्रेमवर्क, और ये भी देखेंगे कि जो फ्रेमवर्क ने
डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट दी है। फ्रेमवर्क का मतलब कि जो हमारे ऊपर IFRS या कंपनीज एक्ट ने जो जो डिस्क्लोजर हमें बोले हैं, क्या हमने वही डिस्क्लोजर अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में और कंट्रोल सिस्टम के हवाले से दिए हैं या नहीं। तो ये सारा का सारा सिस्टम होता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पास। और ये बच्चों ये भी याद रखना है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी एक रिकमेंडेटरी कमेटी है। ये परवियंस कह रही हैं कि आपकी मर्जी बना लें तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो हम आपको कुछ कहेंगे नहीं। इसके बाद मुझे लगता है मैंने पुरानी फाइल ही पेस्ट कर ली थी, एक मिनट। अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछें, तब तक मैं न्यू फाइल अपलोड कर लूँ। मेरे ख्याल है कि मैंने पुरानी फाइल ही जो है ना आज भी अपलोड की, तो नई वाली फाइल मैं अपलोड कर लूँ। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो आप जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? फाइल कन्वर्ट हो रही है अभी, इंशाल्लाह 2-3 मिनट में आपके सामने होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा, बात हो जाए कुछ ऐसी परवियंस की जो कि नॉन मैंडेटरी परवियंस है एज स्टिपुलेटेड इन द कोड 2019। तो ये सारी की सारी जो है नॉन मैंडेटरी परवियंस है। नॉन मैंडेटरी परवियंस का मतलब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसी परवियंस जो कि आप कंप्लाई करेंगे, अगर आपने कंप्लाई ना किया तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास अगर कोई अल्टरनेटिव मौजूद है तो उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉन मैंडेटरी परवियंस। इसको कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच जो वर्ड यूज हुए हैं कोड 19 में नॉन मैंडेटरी के लिए, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच, कि तुम या तो इनको मान लो या अपनी एक्सप्लेनेशन दे के कोई अप्रोच यूज कर लो, ठीक है। तो ये होती है नॉन मैंडेटरी परवियंस। और ये सारी की सारी लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी कि ये सारी जो रेगुलेशन है ना ये अब से नॉन मैंडेटरी होंगी। तो मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि
कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसका मकसद क्या है, फिर मैं आपको समझाया कि बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, बोर्ड कैसे बनेगा और कौन कौन से मेंबर्स, किन की बोर्ड में कम से कम कितने नंबर के कौन से डायरेक्टर होने चाहिए, किस टाइप के डायरेक्टर होने चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको कमेटीज पढ़ाया कि बोर्ड की और भी कमेटीज होती हैं, लेकिन लॉ को जो मेजर कंसर्न है यहाँ पे ऑडिट कमेटी से है, और ऑडिट कमेटी के बाद जो कि रिकमेंडेटरी कमेटीज थी, ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद नॉमिनेशन, और उसके बाद जो कमेटी रह गई रिस्क मैनेजमेंट, ये रिकमेंडेटरी कमेटीज थी। लोगों ने कहा तुमने बनानी है बनाओ, नहीं बनानी तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ऑडिट से उसका मेजर कंसर्न है कि वो वाली कमेटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो उसके ऊपर उसने डिटेल में रेगुलेशन दे दी। अच्छा, अब कमेटीज की कंप्लीशन के बाद अब मेरा ये चांस बनता है कि मैं आपको पढ़ाऊं कि जो अदर ऑफिसर्स रह गए हैं उनके बारे में क्या क्या रेगुलेशन आई है, कि वो ऑफिसर्स किस लेवल के होने चाहिए। सबसे पहले डायरेक्टर क्लियर हो गए, फिर कमेटीज क्लियर होगी। अब इनके साथ जो जुड़े हुए मेंबर्स हैं, जैसे CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सेक्रेटरी है, या हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो CFO की सबसे पहले क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं कि CFO की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो रेगुलेशन नंबर 22 है, इसमें CFO की क्वालिफिकेशन उन्होंने बयान की। CFO के पास 3 साल का मैनेजेरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, वो मैनेजेरियल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑडिट और अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अफेयर्स में हो जाए, और इसके साथ साथ वो मेंबर हो ICAP का या वो मेंबर हो ICMAP का। तो अगर कोई मेंबर है ICMAP का या ICAP का और उसका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑडिट या अकाउंटिंग है 3 साल का, तो वो इन लिस्टेड कंपनीज का CFO बन सकता है। इन अदर केसेस, अगर कोई पर्सन जिसका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग और मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड कॉरपोरेट अफेयर्स में हो जाए, और उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मेंबर हो, और जो क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट हो इन प्रोफेशनल बॉडीज के, मीन्स टू से उसकी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है, तो या वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखता है किसी फाइनेंस यूनिवर्सिटी की इन पाकिस्तान में, और जो कि इक्विवेलेंट हो जो HEC ने अप्रूव की हो। तो अदर क्वालिफिकेशन के लिए लॉ बताना चाह रहा है कि कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर ये आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट। तो CFO की रिक्वायरमेंट हो गई कंप्लीट। नीचे इन्होंने बताया वो पर्सन ही इज एट लीस्ट 7 years ऑफ मैनेजेरियल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अफेयर्स, हैज अ सूटेबल डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और अब्रॉड इक्विवेलेंट ग्रेजुएट डिग्री रिकग्नाइज्ड अप्रूव्ड। अच्छा, नीचे उन्होंने बताया ग्रेजुएशन वाले का कि अगर आपके पास अब्रॉड की कोई डिग्री है या सूटेबल कोई ऐसी कोई अदर डिग्री है तो उसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस है। CFO बनने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल डिग्री का, अदर देन पोस्ट सॉरी CFO के लिए एक्सपीरियंस है 3 साल का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, आज जब आप क्वालिफाई कर लेते हो। अदर देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा कोई डिग्री है जो कि फॉरेन डिग्री हो जाए, जो कि ग्रेजुएट लेवल की डिग्री हो, तो उसके लिए मैनेजमेंट का इन द फील्ड ऑफ ऑडिट एंड फाइनेंस 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पर्सन को ही अपना CFO लगा सकते हैं लिस्टेड कंपनी में। इंटरनल ऑडिटर कौन होगा? हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिटर कौन होगा? पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, कौन
कोई भी पर्सन हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट अपॉइंट नहीं होगा कोई भी पर्सन जब तक उसके पास ये वाला क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ना हो. हैज 3 year रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द ऑडिट एंड फाइनेंस आर कंप्लायंस फंक्शन इज द मेंबर ऑफ आईकैप या आईसीएम में भी. तो 3 साल का एक्सपीरियंस उसका ऑडिट या फाइनेंस में हो और वो आईसीएम या आईकैप का मेंबर हो, पहली ये रिक्वायरमेंट होगी. फिर अगर वो इसमें नहीं है, इसमें फाल नहीं हो रहा, तो बी लाइन में उन्होंने बताया कि उसके पास कम से कम 5 साल का तो एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ ऑडिट एंड फाइनेंस आर कंप्लायंस. और उसके पास अगर ये डिग्रीज नहीं तो चेक करो कि ये नीचे वाली डिग्रीज हैं CIA, CFE, CICA और हैज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो कि HEC ने अप्रूव की हो एंड इज अ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी रेलेवेंट टू सच क्वालिफिकेशन. ठीक है, तो HEC ने वही डिग्री अप्रूव की हो जो कि इन जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो ऊपर बताई गई है इनके इक्विवेलेंट हो. अगर आप CA या ICM नहीं है तो उसके बाद उन्होंने कहा आप CIA हैं या CFE हैं या CICA हैं या आपके पास कोई इस लेवल की डिग्री है जो कि HEC ने अनाउंस किया है कि ये डिग्री बराबर होगी ऊपर वाली डिग्रीज के, इसकी वर्थ बराबर होगी ऊपर वाली डिग्रीज के. तो इन दैट केस आपको 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए हेड ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंट बनने के लिए, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड बनने के लिए. या आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपके पास ऊपर वाली कोई डिग्री नहीं. अगर आपके पास ऊपर वाली ये जो डिग्रीज मेंशन की हैं कोई भी डिग्री नहीं तो आपको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हेड ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंट का हेड बनने के लिए. तो ये क्वालिफिकेशन थी इंटरनल ऑडिट की. उसके बाद है सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन. उन्होंने कहा सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए जो कि लॉ ने बताया है कि सेक्रेटरी की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि SECP ने अनाउंस किया है कि जो एक सेक्रेटरी होगा वो कितना क्वालिफाइड होगा लिस्टेड कंपनी के लिए. तो सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में हम पढ़ेंगे कि जो लिस्टेड कंपनी का सेक्रेटरी है वो या तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज से उसकी क्वालिफिकेशन हो या ICMM का मेंबर हो या CA का मेंबर हो. तो वो सारी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वहाँ पे पड़ा हुआ है और हमने वहाँ पे जाके पढ़ना है. तो याद रखना है इसका सेक्रेटरी भी एक क्वालिफाइड मेंबर होता है. तो यहाँ पे ये 3 बंदे जो थे इन्होंने कवर कर दिए कि जो CFO है वो जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए और कंप्लायंस के लिए, और उसके बाद CIA जो कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट उसको कवर कर दिया, और उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी जिसने कंप्लायंस जो है SECP के साथ फाइल करनी है. ये सब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में अप्रूव हो गए. उसके बाद अप्रूवल रेगुलेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिटरमिन द अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ CFO कंपनी सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ द कंपनी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन 3 बंदों को अपॉइंट करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी को, CFO को और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ द कंपनी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनको अपॉइंट करेंगे, इनकी सैलरीज डिटरमिन करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनकी सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद रिमूवल रेगुलेशन के अगर इन 3 बंदों को रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ द CFO company secretary head of internal audit of a company shall be made with the approval of the board of directors. अगर इन 3 में से किसी को remove करना है तो पहले board of directors की approval चाहिए, फिर ये 3 लोगों में से कोई एक बंदा जिसको भी remove करना है remove किया जा सकता है. लेकिन जो head of internal department है ना, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, उसको रिमूव करने के लिए ऑडिट कमेटी की भी रिकमेंडेशन चाहिए. यानी CFO और सेक्रेटरी
सेक्रेटरी को रिमूव करने के लिए बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, बोर्ड की अप्रूवल होगी तो ये रिमूव होंगे। लेकिन जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसको रिमूव करने के लिए बोर्ड की अप्रूवल प्लस जो ऑडिट कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन भी चाहिए, उसकी अप्रूवल भी चाहिए, तो फिर वो पर्सन रिमूव होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कॉर्पोरेट कंप्लायंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडोर्स्ड बाय CFO एंड CEO रेगुलेशन नंबर 25। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड CFO शैल ड्यूली इंडोर्स। जो CFO होगा और CEO होगा वो क्या करेंगे, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी या क्वार्टरली होगी, हाफ ईयरली होगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल जो होगी वो बोर्ड के सामने जब पेश करने लगेंगे ना, बोर्ड के सामने रखने लगेंगे तो उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करेंगे। एक्सटर्नल ऑडिटर रेगुलेशन। CEO एंड CFO शैल हैव द एनुअल एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्होंने कहा CEO और CFO के पास कंपनी की परफॉर्मेंस होती है एनुअल या इंटरिम, बोथ सेपरेट आर कंसोलिडेटेड वेयर एप्लीकेबल, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। इनिशियल्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द ऑडिट कमेटी। उन्होंने कहा कि अगर आपने CEO या CFO तुमने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी है बिफोर द ऑडिट कमेटी तो उसके ऊपर पहले एक्सटर्नल ऑडिटर के इनिशियल्स ले लेना। तो ये रेगुलेशन थी। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। हमें पता है कंपनीज के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन में इसका जो हेड होगा उसके ऊपर क्वालिफिकेशन पढ़ के आए हैं। जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड होगा उसकी अभी क्वालिफिकेशन पढ़ी, लेकिन इसकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए ये नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो कि रेगुलेशन ने एक्सप्लेन की कि देयर शैल बी एन। हम सोचते हैं कि यहाँ पे एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन होना चाहिए इन एवरी लिस्टेड कंपनी। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट शैल फंक्शनली रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी। हेड जो है इंटरनल ऑडिट का, हमने पीछे भी पढ़ा था कि ऑडिट कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबल होता है और एडमिन की बात माने तो ये CFO के नीचे होता है क्योंकि ये दोनों इम्प्लाइज हैं और इम्प्लाइज को देखा जाए ना तो CEO सबसे ऊपर हाईएस्ट रैंक का इम्प्लाई है तो अदर इम्प्लाइज इसके नीचे आते हैं। कहता है अगर आप एडमिन की नज़र से देखोगे ना तो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो CEO के नीचे आता है, लेकिन फंक्शनली इसके काम क्या होते हैं ये डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा होता है ऑडिट कमेटी को और उसकी परफॉर्मेंस एंड हिज परफॉर्मेंस अप्रेजल शैल बी डन बाय जॉइंटली चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी। और इसकी परफॉर्मेंस जो है इंटरनल ऑडिट के हेड की परफॉर्मेंस जो है वो चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और CEO मिल के इसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उसको देखते हैं। नो डायरेक्टर ऑन द बोर्ड शैल बी अपॉइंटेड इन एनी कैपेसिटी। उन्होंने कह दिया कोई भी डायरेक्टर है ना बोर्ड का, किसी भी कैपेसिटी का है, किसी भी कंपनी का है, वो उसी कंपनी के लिए उसके इंटरनल ऑडिट फंक्शन का हेड नहीं मुकर्रर हो सकता। बोर्ड शैल इंश्योर दैट इंटरनल ऑडिट टीम कंप्राइज ऑफ द एक्सपर्ट। फिर बोर्ड इंश्योर करे कि इंटरनल ऑडिट जो टीम है वो एक्सपर्ट्स की होनी चाहिए। फिर उसके बाद कंपनी शैल इंश्योर दैट हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट इज सूटेबली क्वालिफाइड। तो कंपनी ये इंश्योर करे कि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमने ऊपर बता दिया ना तो कोई ऐसा बंदा ही रखें जो कि इसके ऊपर क्वालिफाइड हो रहा हो। तो उसके बाद बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो होता है ना वो आउटसोर्स कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर भी रेगुलेशन आई है। तो इन्होंने बताया कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन होना चाहिए कि आप अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिए अपने आप के चेक्स बनाएं, इंटरनल ऑडिट बनाएं। तो अगर आपका इंटरनल ऑडिट बना है तो इंटरनल ऑडिटर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो फंक्शनली देखा जाए तो ऑडिट कमेटी को रिपोर्टिंग कर रहा होता है, लेकिन एडमिन की नज़र से देखा जाए तो वो CEO के नीचे आएगा। तो
उसकी परफॉर्मेंस फिर दोनों चेक करेंगे, जो चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी होगा और सीईओ होगा। तो इसके बाद बाज दफा इन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन सारे का सारा किसी फर्म से करवाया जा रहा होता है, कोई फर्म जो होती है वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन अगर तुमने आउटसोर्स करना है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के कंपनी के पास अपना इंटरनल ऑडिट इंजन और ना इंटरनल ऑडिट का कोई हेड है, लेकिन वो चाह रही है कि सारा के सारा फंक्शन जो है आउटसोर्स करवा लिया जाए किसी फर्म से, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कंपनी शैल नॉट अपॉइंट इट्स एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल ऑडिटर्स। जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होंगे ना, आपने उसको अपना इंटरनल ऑडिट फंक्शन आउटसोर्स नहीं करना, ना तो ऐसे ऑडिटर को आपने अपना इंटरनल जो ऑडिट फंक्शन है उसको आउटसोर्स करना है कि आप हमारा डे टू डे ऑडिट करें। ऐसे बंदे को आउटसोर्स नहीं करना जिसने आपका पूरे आपका ऑडिट करना है, एक्सटर्नल ऑडिटर को ना उसको आपने रेफर करना है, ना आपकी एसोसिएटेड कंपनी या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको इसको आउटसोर्स करना है। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो भी होगा आपने किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड फर्म को आप आउटसोर्स कर सकते हैं जिसका ना तो रिलेशन बन रहा हो एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर आपका, ना आपकी एसोसिएटेड कंपनी का। तो ये सारी रेगुलेशन थी इसके ऊपर, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के ऊपर। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर रेगुलेशन 32, ये एक मैंडेटरी रेगुलेशन है। इट इज मैंडेटरी दैट नो कंपनी शैल अपॉइंट एन एक्सटर्नल ऑडिटर अ फर्म ऑफ ऑडिटर विच हैज नॉट बीन गिवन अ सर्टिफिकेटरी रेटिंग अंडर द QCR। अच्छा, जो रेगुलेशन है उन्होंने कह दिया कि हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म आपने नहीं अपॉइंट करनी, सिर्फ वो फर्म अपॉइंट करनी है जो कि QCR रेटिंग में आ रही हो। तो QCR रेटिंग वाली फर्म्स सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी का ऑडिट परफॉर्म कर सकेंगी। इसके बाद इट इज मैंडेटरी दैट नो कंपनी शैल अपॉइंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर अ फर्म ऑफ ऑडिटर विच आर अ पार्टनर ऑफ विच इज नॉन कंप्लायंट विद इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। तो फिर ये एथिकल रिक्वायरमेंट आ गई कि किसी भी ऐसी फर्म को आपने अप्लाई नहीं करना जो QCR में हो, लेकिन वो उसके ऊपर एलिगेशन आई हो कि वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स और कोड ऑफ एथिक्स जो ICAP और ICMA ने अडॉप्ट किए हैं उनको कंप्लाई ना कर रही हो। फिर उसके बाद इट इज मैंडेटरी दैट बोर्ड ऑफ कंपनी शैल रिकमेंड द अपॉइंटमेंट, बोर्ड ऑफ कंपनी शैल रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। और ये हमने ऑडिट में पढ़ा था बच्चों कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो रिकमेंड करते हैं ऑडिटर को, लेकिन सिलेक्ट कौन करता है, जनरल मीटिंग करती है। तो यहाँ पे भी उन्होंने कह दिया कि ये हम लाजिम करार देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उनके पास इख्तियार है कि वो डायरेक्टर ऑडिटर को रिकमेंड करेंगे फॉर अ ईयर एंड इट्स रिम्यूनरेशन एज सजेस्टेड बाय द ऑडिट कमेटी, और इसकी रिम्यूनरेशन वो होगी जो सजेस्ट करेगी ऑडिट कमेटी। एंड सच रिकमेंडेशन शैल इंक्लूड इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और ये सारी बातें आप अपने डायरेक्टर रिपोर्ट्स में लिखेंगे। इट इज मैंडेटरी दैट नो कंपनी शैल अपॉइंट्स इट्स इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड द सर्विसेज इन एडिशन टू द ऑडिट एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द दीज रेगुलेशन। फिर उन्होंने मैंडेटरी करार दे दिया कि बाज दफा जो फर्म्स होती हैं ना वो टैक्स की प्रैक्टिस भी परफॉर्म कर रही होती हैं। उन्होंने फिर यहाँ पे मना कर दिया कि कोई भी कंपनी जिस फर्म से अपना ऑडिट करवा रही है उस फर्म से कोई भी कंपनी कोई और सर्विसेज नहीं लेगी, जैसे टैक्स की सर्विसेज ले ले, कोई और सर्विसेज ले ले, इंटरनल ऑडिट की फंक्शन की सर्विसेज ले ले। उन्होंने कह दिया इट इज मैंडेटरी नो कंपनी शैल अपॉइंट इट्स इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड द सर्विसेज इन एडिशन टू द ऑडिट एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशन एंड शैल रिक्वायर द ऑडिटर टू ऑब्जर्व द एप्लीकेबल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट गाइडलाइन। तो उन्होंने कह दिया कि कोई भी एक्सटर्नल ऑडिटर वाली कंपनी फर्म अगर आप उसे अपना एक्सटर्नल ऑडिट करवाते हैं तो उससे आप कंसल्टेंसी नहीं लेंगे,
एक्स कंसल्टेंट नहीं बनवाएंगे उनको अपना, या कोई और सर्विसेज नहीं लेंगे, एक्सेप्ट अगर हमने कुछ कह दिया तो उसके मुताबिक ही चलेगा। उसके बाद इट इज मैंडेटरी दैट कंपनी शैल इंश्योर दैट द ऑडिटर डू नॉट परफॉर्म द मैनेजमेंट फंक्शन। ये तो दोबारा उन्होंने बात कर दी कि ये भी ख्याल रखा जाए कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा वो कंपनी का कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं करेगा, कोई भी मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फिर उन्होंने बताया ये भी लाजिम करार है कि नो कंपनी शैल अपॉइंट अ पर्सन एज एक्सटर्नल ऑडिटर आर अ पर्सन इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ अ कंपनी हु इज अ क्लोज रिलेटिव। और फिर ये सोची समझी और पढ़ी हुई पहले से बात है कि कोई भी कंपनी, ये हमने पहले भी पढ़ा था एक्ट में भी, कोई भी क्लोज रिलेटिव जो है कंपनी का ऑडिट करने नहीं आएगा। फिर इट इज मैंडेटरी दैट एवरी कंपनी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल ऑडिटर टू फर्निश अ मैनेजमेंट लेटर टू इट्स बोर्ड विद इन 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो हर कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी बना दी गई कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है मैनेजमेंट लेटर फर्निश करे। जब आप ऑडिट में जाएंगे ना तो दो लेटर आप वहां पे पढ़ेंगे, एक होता है एंगेजमेंट लेटर और एक होता है मैनेजमेंट लेटर। ये दोनों ऑडिट से रिलेटेड होते हैं। तो मैनेजमेंट लेटर जो है वो ऑडिटर जो है प्रोवाइड करेगा इनको विद इन 45 डेज के अंदर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स रेगुलेशंस। इट इज मैंडेटरी दैट ऑल लिस्टेड कंपनी इन फाइनेंशियल सेक्टर शैल चेंज देयर एक्सटर्नल ऑडिटर एवरी 5 years। जो भी बैंकिंग कंपनी, जो भी NBFCs हैं, उनके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि वो सारे के सारे अपने एक्सटर्नल ऑडिटर को विद इन 5 years में चेंज करेंगे। All interrelated companies, institutions engaged in business of providing financial services, उन्होंने कह दिया ये सारे के सारे होते हैं financial sector के लोग, shall appoint the same firm of auditor to conduct the audit of their accounts। तो उन्होंने कह दिया कि जो भी interrelated financial institution होते हैं, जैसे एक bank है उसकी आगे कोई insurance company है, इंश्योरेंस की सर्विसेज भी परफॉर्म कर रहा है, तो कहता है इंटरनल रिलेटेड जो कंपनी है ना वो एक ऑडिट, एक ऑडिटर से भी अपना ऑडिट जो है करवा सकती हैं। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब है बैंक, NBFCs और वगैरह वगैरह। इट इज मैंडेटरी दैट ऑल लिस्टेड कंपनीज अदर देन दोज इन द फाइनेंशियल सेक्टर शैल एट मिनिमम रोटेट द एंगेजमेंट पार्टनर इन एवरी ईयर। ये एक नई रेगुलेशन इन्होंने इंक्लूड की थी सेक्शन नंबर 33 में। पहले जो 2017 का एक्ट वो था ना, क्या उसका नाम है, कोड था, उसने कहा था कि यार ये एक कंपनी है, बात को ज़रा समझना आप लोग, उसने कहा ये एक कंपनी है एक्स वाई जी और ये लिस्टेड कंपनी है, ये लिस्टेड कंपनी है और ये एक ऑडिट फर्म है QCR रेटेड, ये ऑडिट फर्म है QCR रेटेड। इसमें हमें पता है बहुत ज़्यादा पार्टनर होते हैं, जैसे QCR रेटेड की एग्जांपल ले लें, फर्गोसन है, उसके पास बहुत ज़्यादा पार्टनर हैं, क्वालिफाइड हैं। तो पहले ये था कि अगर कंटिन्यूस 5 सालों तक इस फर्म ने इसका ऑडिट किया लिस्टेड कंपनी का, तो 6th साल ये ऑडिट नहीं कर पाएगी, ठीक है, 2017 की ये रेगुलेशन थी। लेकिन अब की जो रेगुलेशन है ना 2019 की, उन्होंने कहा फर्म को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम ये देखो इंगेजमेंट पार्टनर कौन है। इंगेजमेंट पार्टनर वो, हमने ऑडिट में भी पढ़ा था इंगेजमेंट पार्टनर, के पूरी फर्म में से वो पार्टनर जो के रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी ऑडिट टीम को ले जाकर इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए। तो अब की रेगुलेशन ये है, गौर से सुन लो, कि फर्म को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 साल बाद आप सिर्फ और सिर्फ इंगेजमेंट पार्टनर चेंज कर लें तो काम चल जाएगा। लेट्स सपोज अगर पहले 5 साल इस इंगेजमेंट पार्टनर के साथ पूरी ऑडिट टीम जाती है, तो नेक्स्ट टाइम 5 साल गुजर गए तो 6th साल कोई और पार्टनर जो है ना वो जाया करेगा, ठीक है। तो ये रेगुलेशन एक चेंज हुई थी 2019 की, के 2017 के और पिछले वाले जो कोड कहते थे उन्होंने कहा था कि आप QCR फॉर्म ढूंढे और 5 साल तक आप उससे ऑडिट करवा सकते हैं। लेकिन 2019 की रेगुलेशन ने कहा फॉर्म को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, QCR रेटेड फॉर्म आपने फाइंड कर ली है, उसके बाद आप अपना ऑडिट करवाएं 5 साल किसी एक इंगेजमेंट पार्टनर से
और अगले 5 साल फिर किसी और एंगेजमेंट पार्टनर, उसी फॉर्म में से किसी और एंगेजमेंट पार्टनर से आप अपना ऑडिट करवा सकते हैं। तो याद रखना है, पहले रोटेशन होती थी फॉर्म्स की, लेकिन अब रोटेशन ऑफ फॉर्म्स खत्म कर दिया गया, अब सिर्फ और सिर्फ रोटेशन होगी एंगेजमेंट पार्टनर की आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, कि हर साल, हर 5वें साल बाद कोई एंगेजमेंट पार्टनर है उसको आप चेंज कर लें तो काम चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट। हाँ, अगर कहता, एक बात याद रख लेना, इन केस ऑडिट फर्म इज सोल पार्टनरशिप, सिर्फ एक ऑडिट फर्म है, उसमें सिर्फ एक ही बंदा क्वालिफाइड पर्सन है और वो QCR रेटेड है, देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स वो फर्म चेंज करनी पड़ेगी। होपफुली समझ आ गया होगा। यहाँ तक मैंने सारा बच्चों आपको क्लियर करवाया कि जो अदर देन बोर्ड है, जिसमें CFO है, इंटरनल ऑडिटर है, जिसमें सेक्रेटरी है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये कौन कौन से पर्सन होंगे, फिर मैंने यहाँ तक आपको बताया कि हमारा इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है, उसको कौन परफॉर्म करता है, उसको कौन हेड करता है, वो आउटसोर्स भी हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि हाँ जी, एक्सटर्नल ऑडिटर भी होता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो कौन हो सकता है और किससे ऑडिट करवाना है एक्सटर्नल ऑडिटर। और पहले ये था कि 5 साल तक अगर किसी ने ऑडिट कर लिया ना फॉर्म का, 5 साल तक किसी ने ऑडिट कर लिया तो दोबारा वो वाली फॉर्म लिस्टेड कंपनी के लिए अपॉइंट नहीं हो सकती। तो 2019 ने ये रेगुलेशन बना दी कि दोबारा जो है आप फॉर्म चेंज ना करें, सिर्फ इंगेजमेंट पार्टनर रोटेट कर लें तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फॉर्म QCR रेटेड ऑडिट कर सकती है विद सेम पार्टनर, इंगेजमेंट पार्टनर अप टू 5 ईयर्स। तो 5 साल के बाद पार्टनर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि जिसमें एक ही पार्टनर हो और वो QCR रेटेड फॉर्म हो, तो इन दैट केस 5 सालों के बाद आपने वो फॉर्म ही चेंज करनी है, इसके अलावा कोई हल नहीं। यहाँ तक ये क्लियर करवा दिया। अब बोर्ड की जो मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसके मेंबर्स की जो मीटिंग होती हैं, उनमें जो एजेंडा आएगा तो चेयरमैन जो होता है बोर्ड का, वो एजेंडा सेट करेगा और इंश्योर करेगा कि जो एजेंडा रखा है ये कितने टाइम में डिस्कस करना है और कितना अवेलेबल टाइम चाहिए इसको डिस्कस करने के लिए। जितने भी नोटिसेस होंगे, रिटर्न मटेरियल होगा, एजेंडा आइटम होगा, वो सर्कुलेट कर देने हैं एट लीस्ट 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लो कि जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उससे 7 दिन पहले आपने नोटिस वगैरह सर्कुलेट करना होता है। पता नहीं ये क्यों नहीं लिखने दे रहा। ठीक है, इन केस ऑफ एमरजेंसी आप नोटिस का पीरियड कम कर सकते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने 178 और 179 में भी पढ़ा था कि चेयरमैन जो होता है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है बनवाता है और उसके ऊपर साइन करेगा, और इसके सिग्नेचर ही इस बात का सबूत होते हैं, काफ़ी होते हैं कि जो जो आपने प्रोसीडिंग में फैसला किया है वो फैसला इम्प्लीमेंट हो चुका। तो वो फाइनल वर्डिंग जब चेयरमैन मिनट्स बना लेगा, साइन कर लेगा, तो वो कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं कि मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई और इसके ऊपर फैसला ये हो गया। कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड का सेक्रेटरी होगा, जो कंपनी का सेक्रेटरी है वो बोर्ड का सेक्रेटरी होगा, यानी कि वो पर्सन जो कि एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्रेटरी है तो वो ही बोर्ड का सेक्रेटरी होगा। डिसेंटिंग नोट का मतलब है कि अगर कोई फैसला हुआ जिसमें एक डायरेक्टर जो है वो रजामंद नहीं है तो वो अपना एक ना रजामंदी का नोट लिखे और सेक्रेटरी को बोले कि ये बात नोट कर लो कि मैं इस फैसले में इस तरह रजामंद नहीं हूँ। वेयर आर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज ऑफ द व्यू दैट हिज डिसेंटिंग नोट हैज नॉट बीन सेटिस्फिकेटरी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, द मैटर मे बी रेफर्ड टू द कंपनी सेक्रेटरी फॉर अपेंडिंग सच नोटिस टू द मिनट्स। तो इन दैट केस अगर कोई डायरेक्टर है ना किसी फैसले के ऊपर रजामंद नहीं हो रहा लेकिन मेजोरिटी ने वो फैसला कर लिया है, तो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो वाला डायरेक्टर अपना डिसेंटिंग नोट लाजमी लिखवाए कि मैं इन दैट केस इन सर्कमस्टांसिस में इस फैसले के साथ नहीं हूँ, लेकिन फैसला अप्रूव हो चुका है।
ठीक है, तो ऐसा डायरेक्टर क्या करे, एक डिसेंटिंग नोट जो है वो मिनट्स के साथ लगवाए और इंश्योर करे और कंपनी सेक्रेटरी को बार बार याद करवाए कि ये वाला जो फैसला हुआ है या जो भी फैसला हुआ है मेजोरिटी ने किया, लेकिन मैं इससे रजामंद नहीं हूं, और क्यों नहीं रजामंद उसके लिए नोट लिखवाए। वेयर कंपनी सेक्रेटरी फेल, जहां पे कंपनी सेक्रेटरी भी ये बात उसकी ना माने, तो ऐसे डायरेक्टर को चाहिए मे फाइल एन ऑब्जेक्शन विद द कमीशन, कमीशन के साथ एक एप्लीकेशन फाइल करे इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो ये उन्होंने रिक्वायरमेंट दी कि ऐसे डायरेक्टर को चाहिए कि अपना डिसेंटिंग नोट मिनट में अगर उसने लगवाना है, सेक्रेटरी बात नहीं मान रहा तो कमीशन को अप्लाई करे। अटेंडेंस एट द मीटिंग रेगुलेशन 13 CF4 एंड कंपनी सेक्रेटरी आर इन देयर एब्सेंस द नॉमिनी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड शैल अटेंड ऑल मीटिंग ऑफ द बोर्ड। द CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी शैल नॉट अटेंड सच पार्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग वेयर इन CFO और कंपनी का सेक्रेटरी वो मीटिंग अपॉइंट नहीं करेगा जहाँ पे CFO का और कंपनी सेक्रेटरी का कोई परफॉर्मेंस के रिलेटेड या इनके रिलेटेड कोई डिसिप्लिन का कोई एक्शन हुआ है, तो वो वाली मीटिंग ये अपॉइंट अटेंड नहीं करेंगे। इशू टू बी प्लेस्ड फॉर डिसीजन फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन कौन से इश्यूज हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश किए जाएंगे जब उनकी मीटिंग होगी? तो जो रेगुलेशन है उन्होंने कहा जब एक बोर्ड बन जाएगा फिर उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। अटेंडेंस के लिए उन्होंने कहा CFO अटेंडेंस लगा सकता है या कंपनी सेक्रेटरी लगा सकता है। तो उन्होंने कहा एजेंडा आइटम में आपने कौन कौन सी बातें इंक्लूड करनी है। चेयरमैन के लिए रिक्वायरमेंट है कि CFO जो है हाईएस्ट रैंक ऑफ एम्प्लॉय वो क्या करेगा, वो ये वाली इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कि आपने अपनी मीटिंग में लाजमी इनके बारे में मुझे डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड किया करनी है। वो वाले इवेंट्स कौन से हैं, सिग्निफिकेंट इश्यूज, जब भी बोर्ड आया करेंगे सिग्निफिकेंट इश्यूज के ऊपर इनके फैसले होंगे। जब भी बोर्ड आया करेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर इनका कोई फैसला होगा, ठीक है। तो लॉ ने कह दिया, रेगुलेशन ने कह दिया CEO तुमने इनकी मीटिंग से ये दो इश्यूज है ना इनके ऊपर डिसीजन मेकिंग लिया करनी है। तो सिग्निफिकेंट इश्यूज कौन से हैं, सिग्निफिकेंट इश्यूज बच्चों एक डिटेल में बयान किए गए हैं, जो हमारी COVID-19 है उसमें डिटेल में बयान किए गए हैं, ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन चंद सिग्निफिकेंट इश्यूज मैं खुद पढ़ देता हूँ, क्योंकि पीछे भी मैंने कहा कि आप खुद पढ़ लेंगे, आप यकीन करें खुद पढ़ लेंगे। लेकिन 3-4 सिग्निफिकेंट इश्यूज मैं ले आया कि यार ये वाकई ही आप खुद पढ़ सकते हैं, ये फाइनेंस से रिलेटेड है। CEO जब भी मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो ये देखेगा कि कोई सिग्निफिकेंट इशू तो नहीं अराइज हो रहा। लेट्स सपोज जैसे सेकंड नंबर पे है सिग्निफिकेंट इशू या फर्स्ट नंबर पे है सिग्निफिकेंट इशू, एज सून एज CEO foresee the risk of default concerning the obligation, पहला रिस्क उन्होंने कहा जी जैसे ही CEO देखेगा ना कि हमारे पर कोई ऐसा रिस्क आ रहा है कि हम किसी बैंक को कर्जा वापस नहीं दे सकते, तो वो फौरन ये वाला जो मैटर है ना रेफर करेगा बोर्ड को कि आप इसके ऊपर कोई फैसला सुनाए और इसके ऊपर अपनी अटेंशन दे, पहला सिग्निफिकेंट इशू। और दूसरा सिग्निफिकेंट इशू के बिजनेस का प्लान क्या है, कैश फ्लो प्रोजेक्शन क्या है, फोरकास्ट क्या है और आपका स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज आप पढ़ सकते हैं। तो जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे उन्होंने कहा जी इनके सामने आपने सिग्निफिकेंट इशू रखने हैं, और रिलेटेड पार्टी का तो मैंने यार डिटेल में एक चैप्टर लेक्चर लगा दिया इसके ऊपर कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमने कैसे अप्रूव करनी है और क्या होती हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो कहा कि दूसरा जो मेजर कंसर्न है बोर्ड का वो इनसे होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर। फिर ऐसी प्रोविजंस मैंने कहा कि जिसके साथ मे का वर्ड यूज़ हुआ है, ऐसी सारी प्रोविजंस जिनके साथ इनकरेज का वर्ड यूज़ हुआ है वो आ जाती हैं नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेटरी रिक्वायरमेंट में। तो रिकमेंडेटरी रिक्वायरमेंट में अब हमारा DTP भी चला गया। पहले DTP 2017 में इन्होंने इम्पोर्ट्स करवाया था कि ये लाजमी था और ये मैंडेटरी था, लेकिन अब जो है ये DTP जो है ये रिकमेंडेटरी हो गया है।
बोर्ड कहता है मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरी बात माननी है तो माने, बोर्ड नहीं सॉरी SECP, माननी है तो माने, नहीं माननी तो आपकी मर्जी। लेकिन अभी याद रख लो ये रिकमेंडेटरी है, तो कोई पता नहीं कब ये जो है इम्फोर्स हो जाए। अगेन उन्होंने कहा डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये पहले हुआ करता था कंपलसरी, लेकिन जब से कोड 2019 आया है हम इसके साथ वर्ड यूज कर रहे हैं इनकरेज का। हम आपको इनकरेज करते हैं, कर लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। तो सारे का सारा DTP जो है ये उन्होंने करार दे दिया जी ये रिकमेंडेटरी है। तो DTP अगर आपके पास 14 साल की एजुकेशन है और 15 साल का एक्सपीरियंस है तो DTP तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, फिर आप एग्जम्प्ट हैं इस कोर्स से। पहली तो ये बात है कि DTP कौन करेगा, कि जिसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है और 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है उसके लिए DTP रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इनके अलावा DTP पहले सबके ऊपर इम्पोज था, अब DTP की ये है परवीनियंस यार, ये रेगुलेशन है। डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम देखो इसके साथ लिखा हुआ है इट इज इनकरेज डेट, मैं कहता जी इनकरेज करूंगा कि अगर 30 जून 2020 तक एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अचीव कर ले। ये उन डायरेक्टर्स की बात हो रही है जिनकी ना तो ग्रेजुएशन है और ना उनके पास 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये उनकी बात हो रही है कि वो सब डायरेक्टर्स, मैं कोड कहता है इनकरेज करता हूँ कि वो DTP प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग ले लें। फिर जून जो है 30, 2021 तक कहता है जी आपके बोर्ड जितने ही डायरेक्टर्स होंगे 75% वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ट्रेंड हो जाने चाहिए। फिर जून 30, 22 तक जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से ट्रेनिंग ले लें। फिर इनकी रिक्वायरमेंट थी कि उसने कहा मैं इनकरेज करता हूँ कि जब भी आप नया डायरेक्टर अपने बोर्ड में रखें तो ये देख लें कि उसने DTP किया हुआ है या नहीं किया। फिर उसके बाद उसने कहा कि एक ऐसा डायरेक्टर जिसका 14 साल का एक्सपीरियंस है और 15 साल की एजुकेशन है वो तो इससे एग्जेम्प्ट ही है। फिर उसने कहा कंपनीज को हम इनकरेज करते हैं कि वो एटलीस्ट 1 फीमेल एग्जेक्टिव एवरी ईयर, कि हर साल जो आपकी एग्जेक्टिव पोजीशन पे एम्प्लाइज हैं उनको DTP करवाएं, और हम इनकरेज करते हैं कि लाजमी एक फीमेल को भी आप हर साल DTP के थ्रू ट्रेनिंग दिलवाएं, एटलीस्ट 1 हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उनको भी साल में, उन्होंने कहा जी DTP करवा दें, ये इनकरेज करते हैं हम। तो ये थी सारी यार रेगुलेशन जो कि मैंने आपके साथ अपने एनालिसिस के ऊपर पेश की। तो अब इसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे बताएं। तो होपफुली आज के लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा कि ये लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं इनकी मैनेजमेंट क्या है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन से लोग होते हैं और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्यों हमने ये कोड पढ़ा और सारा चक्कर क्या है। तो मैंने होपफुली मैंने आपके साथ आपको ये अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो काइंडली वो मुझे टाइप करे। अच्छा खालिद जवेद हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन को गौर से सुना करें, हो सकता है कल को ये आपका भी कंसर्न हो। फर्म चेंज बैंकिंग कंपनी के लिए नहीं था आफ्टर 5 ईयर्स। क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं? फर्म चेंज बैंकिंग कंपनीज के लिए नहीं था, नहीं जो लिस्टेड कंपनीज है ना उनके लिए रिक्वायरमेंट थी कि आप जो है ना अपना जिस फॉर्म से आप ऑडिट करवा रहे हैं वो 5 साल बाद चेंज कर दी जाए, लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट खत्म होगी, इंगेजमेंट पार्टनर चेंज करना है। अताउल्लाह खान, इंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? ये मैंने ना ऑडिट में इनको पढ़ाया था कि इंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है। एक फॉर्म में जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं, CMA और CAs होते हैं जो ऑडिट कर रहे होते हैं कंपनीज का। तो इंगेजमेंट पार्टनर का मतलब कि जब भी एक कंपनी किसी ऐसी फॉर्म को कहती है कि हमारा ऑडिट कर दे, तो क्या सारी की सारी फर्म जो है जिसमें सारे के सारे पार्टनर बैठे हुए हैं, सारे के सारे पार्टनर बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे पार्टनर उठ के जाके
ऑडिट करेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो ऐसा पार्टनर, उन सारे क्वालिफाइड पर्सन में से ऐसा पार्टनर, एक पार्टनर जो कि जिसकी तरफ से खत लिखा जाता है कि हाँ जी मैं इस फलानी फर्म से आ रहा हूँ अपना आपका ऑडिट करने के लिए और मेरे साथ टीम है, तो ऐसा ऑडिट जो है कह लो कि वो इंगेजमेंट पार्टनर होगा। सर एनजीओ इंगेज पीडब्ल्यूसी एनपीसी लाहौर एज इंटरनल एज लीगल अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ, देखिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यार एनजीओ के ऊपर अप्लाई नहीं होता। मैंने पहले पढ़ाने से बताया था, पहले बताया था कि यार ये जो हम पढ़ने लगे हैं ना ये किसी कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात होनी है यहाँ पे। तो एनजीओ तो निकल गई ना वहां से, ठीक है, तो एनजीओ के साथ क्या हो रहा है और कौन उसका ऑडिट कर रहा है, कौन उसके इंटरनल ऑडिट में है, इसका कोई कंसर्न नहीं। बात ये करो कि हाँ जी ये लिस्टेड कंपनी है, इसके एक्सटर्नल ऑडिटर पीडब्ल्यूसी हैं और इसके इंटरनल ऑडिटर भी पीडब्ल्यूसी हैं, कोई ऐसी एग्जांपल निकाल के दिखाओ। सीईओ की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं बताया, सीईओ की क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं बताया। यार सीईओ का जो है उन्होंने कहा था कि सीईओ कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि आप इंश्योर करें कि आपकी परफॉर्मेंस को अचीव कर लेगा, तो सीईओ के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि ये आपने खुद देखना है, लेकिन बाकी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिसने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंश्योर करनी है, इंटेग्रिटी देनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की और इंटरनल ऑडिट का जो हेड होगा उनकी क्वालिफिकेशन उन्होंने कहा कि कम से कम इतनी होनी चाहिए। क्यूसीआर रेटेड फर्म, कुछ ऑडिट फर्म हो रही होती हैं जो कि ऑडिट करती हैं, ऑडिट फर्म का दोबारा ऑडिट, जो ऑडिट फर्म है इसको ऑडिट करता है आईकैप, तो उनको ऑडिट करके और उनकी रैंकिंग बनाता है कि ये कैसे काम कर रही हैं, तो उस रैंकिंग के अंदर उस फॉर्म का नाम आना उसको कहते हैं क्यूसीआर फॉर्म, क्यूसीआर रेटेड फॉर्म। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहले तो डिपेंडेंट डायरेक्टर तो कोई नहीं होता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। और अताउल्ला ये जो डायरेक्टर की सीरीज स्टार्ट हुई थी ना इसमें देख लो, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नया टॉपिक होगा। सेक्शन टू टेल्स अस, यार सेक्शन 42 क्या कहता है उसके बारे में अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा, आपका तो पहले नाम ही नहीं आ रहा। सेक्शन 42 आपने रेफर किया कि सेक्शन 42 जो है ना ये एनजीओ की ऊपर है, भाई मैं बात कर रहा हूँ लिस्टेड कंपनी के ऊपर। क्या एनजीओ आपकी लिस्टेड है? हो सकती है एनजीओ लिस्टेड। इन कॉरपोरेशन का तो मकसद होता है कंपनी बनना, लॉफुली आप कंपनी बना ले, लेकिन एनजीओ को आप लिस्टेड कह रहे हैं तो सेंस नहीं बनती। लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसकी लिस्टिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से हुई हो, ठीक है भाई। ये सारे का सारा कोड हम ऐसी कंपनीज के ऊपर पढ़ते हैं और ये उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। कोर्स कितने परसेंट हो चुका है? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इतने नंबर ऑफ सेक्शंस आपको पढ़ा दिए हैं और इतना नंबर इतना परसेंट कोर्स कवर हो चुका है। आगे कहानी अब बड़ी आसान है क्योंकि मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर समझा दिया, मीटिंग समझा दी, ऑडिटर समझा दिए, आगे बहुत कहानी अब आसान है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्ट ऑर्डिनेंस रूल्स रेगुलेशन एक्ट अताउल्ला साहब होपफुली मुझे लगता है कि आपने न्यू ज्वाइन किया है। एक्ट ऑर्डिनेंस रूल्स रेगुलेशन इसके ऊपर पहले दिन मैंने बताया था कि एक्ट पार्लियामेंट से पास होता है, पार्लियामेंट फुल फ्लेज दोनों हाउसेज से पास होता है, ऑर्डिनेंस जो होता है वो प्रेजिडेंट पास करता है, फिर उसके बाद जो स्टैचूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना वो एक्ट से अगर अपनी पावर ड्राइव करें, जैसे ये रेगुलेशन है लिस्टेड कंपनी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये रेगुलेशन है इसने अपनी पावर ड्राइव की एक्ट से, और ये स्टैचूटरी ऑर्गेनाइजेशन इशू करती होती हैं रूल्स और रेगुलेशन। तो डायरेक्टर की क्या है किस्म, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव, इसके लिए डायरेक्टर का पहला लेक्चर सुनो। डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होती है अभी हमने पढ़ना है, सुन लो कि जैसे ऑडिट रिपोर्ट होती है ना और वो इशू करता है एक्सटर्नल ऑडिटर,
इसी तरह डायरेक्टर्स से रिक्वायर है कि वो रिपोर्ट लिखे, नोटिस के साथ जाती है, तो ये भी हमने अभी पढ़ना है डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होती है और कौन से मैटर ये लिखते हैं। ठीक है, यही बात मैं कह रहा हूँ कि आप लिस्टेड के बारे में नहीं पूछ रहे, आप पूछ रहे हैं एनजीओ के बारे में और उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं अभी। ठीक है, एनजीओ की इनकॉर्पोरेशन हुई है एक्ट के थ्रू, लेकिन यार ये जो अभी हमने सब कुछ पढ़ा ना कि इतने डायरेक्टर होने चाहिए, इस क्वालिटी के होने चाहिए, इतने नंबर होने चाहिए, ये इश्यूज इन्होंने देखने हैं, ये सारा कोड इम्प्लीमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। ठीक है, और उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप 5 साल बाद अपना एंगेजमेंट पार्टनर चेंज करें, और उनके ऊपर रिक्वायरमेंट है, लाजमी है कि जिसने एक्सटर्नल ऑडिट करना है वो इंटरनल ऑडिट ना करे। अब आप यहाँ पे मुझसे पूछते हैं कि जो PwC है वो एक्सटर्नल ऑडिटर है एक कंपनी की, और वही PwC NGO की, और वही PwC इंटरनल ऑडिट भी कर रही है, तो यार वो करने दें उनको, लिस्टेड तो नहीं है ना वो NGO, और NGO होपफुली लिस्टेड होती भी नहीं। कोई एग्जांपल निकाल के दिखा देना डायरेक्टर से ज्यादा कमेटी में हो। हाँ जी, एक डायरेक्टर एक से ज्यादा कमेटीज में हो सकता है, हो सकता है एक डायरेक्टर एक से ज्यादा कमेटी में, जैसे इंडियन डायरेक्टर था वो ऑडिट कमेटी में भी चला गया, फिर वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आगे भी चला गया, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी में भी आ गया। ठीक है, तो एक से ज्यादा कमेटी में एक डायरेक्टर जाता है। डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया कि डायरेक्टर जो होते हैं ना उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि वो DTP कर लें। ठीक है, उन्होंने रिकमेंड कर दिया, अगर DTP नहीं करते तो उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं बताया डायरेक्टर का, लेकिन पहले क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इनका बहुत सख्त था। ये सख्त करने से ये हुआ कि जो जिनके पास ज़्यादा पैसे थे वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए, वो उनका इंटरेस्ट जो है लिस्टेड सेक्टर से ख़त्म होता जा रहा था, तो इन दैट केस इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उन्होंने कहा हाँ यार आपको रिकमेंड करते हैं कि कर लो। ठीक है सर, रिस्क मैनेजमेंट का लास्ट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट का लास्ट पॉइंट क्या था? अच्छा सर, एक कंपनी का देखें, एक कंपनी का सीईओ फुल टाइम आपका एम्प्लॉय होता है। ठीक है, एक कंपनी का सीईओ किसी दूसरी कंपनी का चेयरमैन बन सकता है, तो पहली बात सीईओ आपका फुल टाइम एम्प्लॉय है, तो चेयरमैन वो दूसरी कंपनी का बन सकता है अगर उस सीईओ की किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो उसकी मीटिंग्स में जाके उसका चेयरमैन बन सकता है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर मैं पहुँचता हूँ सर, रेगुलेशन 30 में कंप्लायंस का कंसेप्ट एक बार बता दें। अच्छा, ये भी हो गया, अब मैंने बताना है रिस्क का और रेगुलेशन 30 का। अब ये रेगुलेशन कहाँ पे गई? तो आज की स्लाइड्स में मैं ये सारी स्लाइड्स पे पेस्ट करूंगा, और इसके साथ जो रॉ है ना रॉ फॉर्म में ये जो कोड है ये भी आपके साथ पेस्ट करूंगा। लाजमी एक नज़र देख लेना कि जो जो मैंने आपको रेफर किया कि यार ये कोड से एक बार देख लेना लाजमी, तो उनको एक नज़र देख लेना, आइडिया हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में लास्ट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ये लास्ट पॉइंट है, उन्होंने कहा अप्रोप्रिएट एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर्स ऑफ कंपनीज रिस्क फ्रेमवर्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। कहता जो डायरेक्टर रिपोर्ट बन के जानी है ना, उसमें ये कंपनी के रिस्क फ्रेमवर्क के ऊपर और कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर डिस्क्लोजर्स देंगे। ठीक है, कि कंपनी का रिस्क फ्रेमवर्क कैसा है, कि कंपनी ने कैसा फ्रेमवर्क बनाया है कि कोई रिस्क आता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे कंट्रोल करना है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी का कैसा है ये डायरेक्टर रिपोर्ट में बताया करेंगे। और इसके बाद और किसका क्वेश्चन था?
कंप्लायंस का कंसेप्ट, रिजवान कंप्लायंस का कंसेप्ट आज मैं कोड पेस्ट करूंगा ना, तो उसके नीचे कंप्लायंस आती है, डिस्क्लोजर्स आते हैं कि आपने कौन कौन से डिस्क्लोजर देने हैं. ठीक है, होपफुली सबका जो है कंसर्न क्लियर है. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे. 5 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा अब अपनी जो डिस्कशन है. तो दोबारा सुने, ये कोड है क्या? ये कोड 19 का कोड है. ये बहुत फ्लेक्सिबल कोड है. ये कोड सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट होगा लिस्टेड कंपनी के ऊपर. जब ये कोड आया था तो इसको कब बोला गया था? न्यू रजीम ऑफ गवर्नेंस, कि ये कोड ऐसा है जो कि एक नया दौर शुरू करने जा रहा है लिस्टेड कंपनी की गवर्नेंस का. तो ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ही अप्लाई होगा. इस कोड में 3 तरह की रेगुलेशन होती हैं, मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी, रेगुलेटरी, सॉरी रेकमेंडेटरी. उसके बाद इस कोड में सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया है डिसीजन मेकिंग पावर को, क्योंकि क्वालिटी बने लिस्टेड कंपनीज की. लिस्टेड कंपनी के बोर्ड को सबसे पहले टारगेट किया गया कि इनकी कंपोजिशन को पकड़ो. पहले कंपोजिशन को देखा गया तो उन्होंने कहा 1/3 यार तुम्हारे एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1/3 एग्जीक्यूटिव, बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव. फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बोर्ड से लाजमी कमिटीज बनेंगी, और एक कमेटी जिससे हमारा बहुत कंसर्न और ताल्लुक बनता है, उन्होंने कहा एक कमेटी वो जिसकी रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट कमेटी होनी चाहिए. ऑडिट कमेटी वो होनी चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा वही इसको सुपरवाइज करेगा. फिर इसके बाद जितने भी अदर ऑफिसर्स हैं लिस्टेड कंपनी की अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर, उनके बारे में हमने पढ़ा आज कि उनकी जो है उन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए. देयर आफ्टर हमने एक्सटर्नल ऑडिट का पढ़ा, फिर हमने इंटरनल ऑडिट का पढ़ा, और फिर हमने अपनी जो लेक्चर है कंक्लूड किया DTP के ऊपर. तो DTP पहले बहुत सख्त रेगुलेशन थी कि अगर आपके पास पैसे भी हैं, आप लिस्टेड कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप उसकी बोर्ड में नहीं बैठ सकते थे जब तक आप DTP की ट्रेनिंग ना ले. तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, फ्लैक्स बनाने के लिए ना, कि लिस्टेड कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उन्होंने ये भी रिक्वायरमेंट जो है रिकमेंडेटरी कर दी. तो यहाँ तक मैं कंक्लूड करूँगा. अगर मज़ीद आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में पूछ लें. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.